नमस्कार, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेशन रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर के लिए होने वाला है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें हम बात करने वाले हैं, कई नियमित छात्रों के परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी आ रही है, जिसके कारण उन्हें कॉलेज या यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो ये क्या दिक्कतें हो रही हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि 15 जून से आपकी वार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो रही है और आज से प्रारंभ हो रही है सेमेस्टर परीक्षाएँ फर्स्ट सेमेस्टर की, जो कि 6 तारीख तक चलने वाली है। तो वार्षिक परीक्षा है, तो उत्तर पुस्तिका वितरण की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट वीडियो आपको अगर यूनिवर्सिटी संबंधित पाना है तो आप सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप फटाफट जो है इन्फॉर्मेशन पा सकें और सही रूप से पा सकें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से लिंक तुरंत मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन क्या है, आज क्या न्यूज़ आई है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, कई नियमित छात्रों के परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी हो रही है, इसके बारे में बात करें तो कॉलेज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से पत्राचार, 15 जून से परीक्षा है, स्टूडेंट हो रहे हैं परेशान। क्या है ये चीज़ें, इसके बारे में बात करें। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा जो है, आप सभी को पता है, टाइम टेबल मिल चुका है, 15 जून से है। जो रेगुलर वाले छात्र हैं उनके जो परीक्षा केंद्र में हैं वो गड़बड़ी सामने आ रही है। स्टूडेंट जो भी कॉलेज से है उसकी बजाय दूसरे कॉलेज में परीक्षा केंद्र दे दिया है। मान लो कोई साइंस कॉलेज से है और वो दे दिया है उसको किसी दूसरे कॉलेज में, उसको साइंस कॉलेज में नहीं मिला, ये दिक्कतें हो रही। तो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म में उन्होंने स्वयं के कॉलेज का परीक्षा केंद्र के रूप में चयन किया था। जब परीक्षा केंद्र का चयन आया तो उन्होंने अपने ही कॉलेज को चूज़ किया था, लेकिन अपने कॉलेज को चूज़ करने के बाद अभी जब बाद में पता चल रहा है उसमें चेंजेस आ गई है और अपना नहीं बल्कि दूसरा कॉलेज हो गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा नज़दीक जैसे जैसे आ रही है वैसी समस्याएं भी सामने आ रही है। स्टूडेंट प्रवेश पत्र में अपना परीक्षा केंद्र दूसरे कॉलेज में देखकर कॉलेज में पहुंच रहे हैं जहां के वे नियमित छात्र हैं। कॉलेजों द्वारा स्टूडेंट का पत्र को लेकर विश्वविद्यालय से पत्राचार हो रहा है या फिर स्टूडेंट को सीधे यूनिवर्सिटी जाने बोल रहा है, यही तो हो रहा है बस, और कुछ नहीं होता है। लगाना पड़ रहा है चक्कर। प्राइवेट विद्यार्थियों का भी दिक्कत ये है, प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय सुविधानुसार परीक्षा केंद्र तय करता है, लेकिन ऐसे कॉलेज जो परीक्षा केंद्र है उसकी बजाय दूसरे कॉलेज को नियमित छात्रों के लिए केंद्र बनाने से परेशानी खड़ी हो गई। स्टूडेंट की तैयारी छोड़ कोरोना काल में कॉलेज और यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना पड़ रहा है, तो ऐसे दिक्कतें आ रही है। BCA ओल्ड कोर्स की समय सारणी जारी नहीं है। BCA ओल्ड कोर्स वाले जितने भी कमेंट कर रहे हैं वो ध्यान रख लीजिए भैया, अभी तक जारी नहीं हुआ है। 15 जून से परीक्षा है, लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या है, पुराना पाठ्यक्रम की परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई है। इसके कारण विद्यार्थी असमंजस में है, वे परीक्षा तिथि की जानकारी के लिए अपने कॉलेज पहुँच रहे हैं। मैंने भी बोला कई कॉलेज में जाइए करके, इस पर भी महाविद्यालयों ने विश्वविद्यालय को पत्राचार किया है। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी तक बात पहुंच चुकी है, आपकी टाइम टेबल में क्या दिक्कतें हैं, जैसे BCom फर्स्ट और सेकेंड का आया हुआ है चेंज होकर, वैसे ही आपका भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको जैसे ही यहां पर चेंजेस होकर आता है तो मैं आपको शेयर जरूर करूंगा। तो यहां पर जो है 1.43 143,000 परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं वार्षिक परीक्षा में। कल से परीक्षा की तैयारी, अर्थात आज से जो है सेमेस्टर परीक्षा स्टार्ट है, 15 जून से वार्षिक परीक्षा स्टार्ट है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड लगभग जैसे ही सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म होगा 6-7 के आसपास आ जाएगा, 6 जून 7 जून के आसपास आ जाएगा, वैसे 5 तारीख को भी आ सकता है। तो आप चेक कर लें कैसे निकालते हैं, ये तो हमने वीडियो बना ही रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और चैनल पर जाके भी मिल सकता है। इसके आगे बात करें तो इसमें कंफर्मेशन मोड में यहाँ पर ये बात किया हुआ है कि नियमित और स्वाध्यायी परीक्षार्थी शामिल हैं इसमें। 1,43,000 जो 15 जून से स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन मोड में हो रही है, वृहद प्रक्रिया है ये परीक्षा की, इसलिए 1 जून से तैयारी बैठक शुरू करने की संभावना है। संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्ल विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ष जो ऑनलाइन परीक्षा लिया जा रहा है, पिछले वर्ष सितंबर में आनन फानन में लिया था उत्तर पुस्तिका परीक्षा, सॉरी ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, इस वर्ष जून में ही ऑनलाइन परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा संचालन हेतु 1 जून को बैठक हो सकती है। तो आज अगर कोई निर्णय आता है तो हम आप तक जरूर से करेंगे।
तो 1 जून से आज अभी जो है प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा चालू हो रही है। थर्ड सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिका जमा होने पर मूल्यांकन के निर्देश दिए हैं। थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी है, 27 को आखिरी था और उनका जो है अब पेपर चेक होना स्टार्ट हो चुका है। और कहाँ चेक होगा, कैसे होगा, वो आपका एक वीडियो बना दिया गया है जो कि चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। उत्तर पुस्तिका वितरण की तैयारी, जैसा कि मैंने हेडिंग में लिखा था कि सूत्रों का कहना है कि वार्षिक परीक्षा के विश्वविद्यालय द्वारा सतर्कता बरतते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर पुस्तिका वितरण पर जोर दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि स्टूडेंट उत्तर पुस्तिका के लिए कागज खरीदने स्टेशनरी तक जाएंगे, वहाँ जितना समय देंगे उससे कम समय में कॉलेज से सहजता से उत्तर पुस्तिका ले सकते हैं। करना क्या होता है मैं बता दूं आपको, आप कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पर जाकर अपना क्लास बताएंगे, कोर्स बताएंगे, फिर वहाँ पर एंट्री होगी और एंट्री होने के बाद कितना पेपर है क्या है वो देखकर एडमिट कार्ड देख के आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, अब भैया किसके बेस पर देंगे आपको, आपके पेपर के बेस पे। अब उनको तो याद है नहीं इतने सारे कोर्स है, तो क्या देखते हैं, एडमिट कार्ड देखते हैं और उस हिसाब से आंसर शीट देते हैं। एडमिट कार्ड आया नहीं है वार्षिक वालों का, तो जैसे 5 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाता है तो एडमिट कार्ड आने के तुरंत बाद आप वहाँ जाकर ले सकते हैं। तो एडमिट कार्ड को देखेंगे, उस हिसाब से डिटेल भी फिल करेंगे और एडमिट कार्ड के सब्जेक्ट के अनुसार आपको देंगे। तो ये था इन्फॉर्मेशन आज का, और आशा है आप सभी को जानकारी समझ में आई होगी। और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, इस चैनल पर लगातार अपडेट आप लोगों की सहायता के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा और चाहे तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज़रूर आइए, ताकि आपको जो छूटा हुआ नोटिफिकेशन है, जबकि यूट्यूब में कई बार मिस आउट हो जाता है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये दोनों में से किसी एक को ज्वाइन करें, ताकि इसके माध्यम से क्या होगा, आप वहां तक तुरंत लिंक कभी भी खोलकर देख सकते हैं कोई भी वीडियो। इसमें मिस आउट हो जाता है तो आपको सर्च करके चैनल पर जाना पड़ता है यूट्यूब में, तो इंस्टा और टेलीग्राम में भी जा सकते हैं, वहां से आखिरकार आप यूट्यूब में ही जाएंगे लिंक के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और आप सभी के कमेंट्स में और सवाल ये आ रहा था कि कुछ कुछ लोग अभी भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना भूल गए हैं या किसी कारणवश नहीं भर पाए हैं, तो दोस्तों सॉरी, अब नहीं भरा पाएगा एग्ज़ाम फॉर्म, क्योंकि इसका आगे इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं आया हुआ, ठीक है। तो जैसे कुछ भी आता है तो हम आप तक शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्षांश कोचिंग क्लासेस, बने रही हमारे साथ।